मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने 14 लोगों की रचना के बाद इसके संरक्षण और पालन के लिए 14 रूप में प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे, इसलिए इस चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी को 14 लोगों और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक भी माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद बाजू में बांधे जाने वाले अनंत सूत्र में 14 गठाने होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये 14 गांठों वाला अनंत सूत्र 14 लोकों भूलोक, भूलोक, स्वलोक, मैलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक होते हैं। अनंत सूत्र की प्रत्येक गांठ प्रत्येक लोक का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र की 14 गांठें भगवान विष्णु के 14 रूपों अनंत, ऋषिकेश, प्रदमनाथ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का प्रतीक भी मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद इस धागे को बाजू में बांधने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है और 14 गांठ वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा पाठ के बाद अनंत सूत्र को महिलाएं अपने बाएं हाथ की बाजू में और पुरुष दाहिने हाथ की बाजू में बांधते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की हृदय से पूजा करें और फिर अनंत सूत्र को हल्दी या फिर केसर में रंग लें। इसके बाद 14 गांठें लगाएं और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। फिर इस मंत्र ओम अनंताय नमः द्वारा जाप करें और रक्षा सूत्र को बाजू में बांध लें। रक्षा सूत्र को रात्रि में सोते समय उतार लेना चाहिए और अगले दिन इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए।